हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 जो रहता है मार्च अपडेट इकोनॉमिक सर्वे का सोशल सेक्टर के ऊपर कुछ हम डिस्कस करेंगे। और ये इस चैप्टर का जो पार्ट 3 रहेगा और टोटली सीरीज का जो ये पार्ट 18 रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। अगर आप मार्च अपडेट से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर एचपीपीएससी है, एचपीएस है, लाइन सर्विस है, नाइप है, एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, उसके लिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट है और इसकी लेक्चर सीरीज है, ये काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली जो है मैं जो ये उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ही आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए नेक्स्ट सो फार हमने डिस्कस जो है कर लिया है। अब यहाँ से जो डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हर्बल रिसोर्सेज। तो देखिए हर्बल होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। हर्बल वैसे जो छोटी झाड़ियाँ होती है, छोटे घास होते हैं, उसको बोलते हैं। लेकिन हर्बल हम यहाँ पर बात करेंगे हर्बल रिसोर्सेज मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड। तो देखिए इसमें ये जो जानकारी है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। और मेंस में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मेडिसिनल प्लांट्स की प्रमोशन से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो देखिए एक वन मॉडल नर्सरी जो है सेटअप की गई है पब्लिक सेक्टर में, जिसके ऊपर 25 लाख स्पेंडिंग की गई है और उसको सेटअप किया गया एट करसोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट वन मॉडल नर्सरी जो है मेडिसिनल प्लांट्स की जो है करसोग में सेटअप की गई है विद अ कॉस्ट ऑफ 25 लाख। और टू स्मॉल नर्सरीज जो है एस्टेब्लिश हुई है बाय स्पेंडिंग 12.50 लाख एट सोलन एंड किन्नौर। तो देखिए तीन जो आपको पब्लिक सेक्टर में जो है मेडिसिनल प्लांट्स की जो नर्सरीज मिलेंगी, एक रहेगी आपकी करसोग मंडी में, दूसरी है सोलन में और तीसरी है किन्नौर में। और इनका मेन काम क्या रहता है? फॉर प्रोपोगेटिंग एंड प्रमोशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो जो ऐसे प्लांट्स जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिनकी रहती है, उन प्लांट्स की यहाँ पर कल्टीवेशन और उनकी प्रमोशन यहाँ से जो की जाती है, प्रमोशन कल्टीवेशन इन प्लांट्स की जो है प्रमोट की जाएगी। तो इस चीज को आप जरूर याद रखें, करसोग मंडी, सोलन और किन्नौर में जो है आपकी पब्लिक सेक्टर जो है नर्सरीज जो है मेडिसिनल प्लांट्स की जो एस्टेब्लिश की गई है। और एक जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है मेडिसिनल प्लांट्स की नर्सरी सेटअप की गई है एट देहरा विद अ ग्रांट ऑफ 12.50 लाख अंडर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर जो है वर्क करता है। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए आगे कोविड 19 मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है डिस्कस किया गया है। तो हम सभी को पता है कोविड 19 मैनेजमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जो है वर्क किया हुआ है, क्या क्या वर्क किया हमें पता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में बताया गया कि 14 फरवरी 2021 के डाटा तक की बात करें तो 14 फरवरी 2020 तक हिमाचल प्रदेश में जो है 52,222 जो केसेस जो है कोविड के पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 56,917 जो रिकवर्ड हुए। और बहुत ही दुख की बात है 981 ने जो है अपनी इसमें जान बिगवा दी कोविड से लड़ते लड़ते। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाटा बताया गया, सबसे ज्यादा केसेज यहाँ पर देखिए शिमला में आए थे अप टू 14 फरवरी 2021 और रिकवर्ड इसमें 10,434 हो गया, 266 जो है इसमें जो डेथ भी हुई। और सबसे कम लाहौल स्पीति में 1,258 और एक्टिव लाहौल स्पीति में 0 है, सारे मैक्सिमम रिकवर हो गया और 12 आंसर जो हमें जो है डेथ्स भी देखने को मिली। इसमें देखिए बताया गया कि कौन कौन से इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट द्वारा टेकन किए गए टू टैकल कोविड 19 पैंडेमिक। तो देखिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें सर्विलेंसेस एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था, कोई भी जो आपके लोग बाहर से आ रहे थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी, उनकी टेस्टिंग की जा रही थी, जो भी फेयर्स थे, मेले हैं, टूर्नामेंट्स हैं, मील्स हैं, उनको पोस्टपोन कर दिया गया। रिलीजियस गैदरिंग जो भी धार्मिक गैदरिंग होती है उनको जो है बंद कर दिया गया, लॉकडाउन जो है इंश्योर किया गया। फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोई भी कोविड पॉजिटिव पर्सन है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, किसी एरिया में जो है ज्यादा केसेज आ जाते हैं तो कंटेनमेंट जोन भी जो है डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। फिर एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी जो है कंडक्ट किया गया ऑन 3 अप्रैल 2020, जिसमें पॉजिटिव जो केसेज है उनको आइडेंटिफाई किया गया। हिम सुरक्षा अभियान जो है चलाया गया जिस सारी सारी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें जिसको कैरिड आउट किया गया 25 नवंबर 2020 to 4 जनवरी 2021। तो ये भी थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि जो हिम सुरक्षा जो अभियान है ये 25 नवंबर to 4 जनवरी ये जो चलाया गया 25 नवंबर 2020 to 4 जनवरी 2021 ये चलाया गया कैंपेगन मोड्स में। इसमें कोविड के साथ साथ टीबी लेप्रोसी केस की भी जो है फाइंडिंग जो है की गई। तो देखिए ये जो हिम सुरक्षा ये जो अभियान है ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, काफी ज्यादा न्यूज में था। थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि ये 25 नवंबर 2020 to 4 जनवरी 2021 तक चलाया गया और इसमें टीबी और लेप्रोसी के केसेस को भी आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट बात आती है इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की तरह सही। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट कोविड 19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो कोविड 19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को जो है इंश्योर करने के लिए एक्सटेंशन भी आती ग्रास रूट लेवल इंटेंसिव आईसी जो रहती है इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो टेकन की गई, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने और घरों से बाहर जो है बिना वजह ना निकले। तो इस तरह से जो है सारे सारे सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए। जन आंदोलन जो है लॉन्च किया गया हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा ऑन 8 अक्टूबर 2020 ऑन कोविड 19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर टू फॉलो 3 मंत्रास। तो 3 मंत्रास इसमें वियरिंग ऑफ फेस मास्क, मास्क पहनने से रिलेटेड वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली फ्रिक्वेंटली एंड
मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस ऑफ 6 फुट। तो ये 3 मंत्र जो COVID-19 के टाइम पे चलाया गया। तो देखिए पीपल जो थे स्टेट के उनको जो अवेयर किया गया, जागरूक किया गया अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स थ्रू वेरियस मास मीडिया कैंपेन। स्पेशल कैंपेन जो है सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति, तो सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति कैंपेन चलाया गया थ्रू आउट द स्टेट फॉर अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक, पब्लिक को जागरूक करने के लिए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा जो है अवेयरनेस कैंपेन जो है जनरेट किया गया उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में रेगुलरली अंडर लीडरशिप ऑफ अवर ऑनरेबल सीएम। और दिस शोज द ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम एट हाईएस्ट लेवल। उसके बाद हम बात करें तो टूरिस्ट जो विजिट कर रहे थे स्टेट में उनकी रेगुलर जो है टेस्टिंग की गई और उनको जो अवेयर किया गया थ्रू डिफरेंट आईसी मीडिया प्लेटफॉर्म टू फॉलो प्रिवेंटिंग मेजर्स रिलेटिंग COVID-19। तो ड्यूरिंग 2020-21 अगर हम बात करें तो 50,000 नंबर ऑफ पैकेट्स कॉस्टिंग 30 लाख ऑफ मधु ताड़ी कश्य इम्यूनिटी बूस्टर जो रहता है ये जो प्रोवाइड किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट अमंग सीनियर सिटीजन कोरोना वॉरियर्स एंड रिकवर्ड केसेस ऑफ COVID-19 एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग आयुष क्वथ वर्थ 1.3 करोड़ एट आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंद्रनगर एंड दिस क्वथ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे उनको फ्री मेडिसिनल किट्स पूरी मेडिसिनल किट्स उसमें काढ़ा जो रहता है मधुष्टि तादी कच्छ जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा था। अगर देखिए टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग स्पीड जो काफी ज्यादा जो बढ़ाई गई हर एक हॉस्पिटल में जो है RT-PCR जो टेस्ट रहते हैं उनको जो कंडक्ट किया गया PCR लैब इंस्टीट्यूट की गई। देखिए RT-PCR की फ्लू में रहती है रिवर्स ट्रांसमिशन पोलीमराइज चेन रिएक्शन। तो पोलीमराइज चेन रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसमिशन पोलीमराइज रिएक्शन। और 25 नेट मशीन जो इस्टेब्लिश की गई 2 CV नेट मशीन जो है रिपीट एंटीजन किट्स जो है की गई कोविड टेस्टिंग को फास्ट करने के लिए। और स्टेट के द्वारा जो है 8,000 सैंपल जो डेली बेसिस के ऊपर जो है लिए गए। फिर रेट्स जो भी चार्ज किया जाता था प्राइवेट लैब्स के ऊपर फॉर कंडक्टिंग एनएटी टेस्टिंग स्टेट हैव बीन फिक्स्ड एट 2,000 पर टेस्ट फॉर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग रेट टू बी चार्ज एट 300 पर सैंपल इंक्लूसिव ऑल द चार्ज इन एप्लोडाइसिस। ऑटो SMS जो है प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोवाइड की गई टू ऑल पर्सन बीइंग टेस्टेड फॉर COVID-19 बाय RT-PCR एंड रैपिड एंटीजन ये जो सेंड किए गए सून एज रिजल्ट इज अवेलेबल। इसके द्वारा जो अननेसेसरी ट्रैवल और एंग्जायटी जो है लोगों में जो इसके द्वारा कम हुई। उसके बाद देखिए इसमें बात की गई कि जीवन धारा बॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इनिशिएटेड किया गया टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन रिमोट इनसेसिबल एंड सर्वे एरियाज। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो मोर्टिलिटी डेथ रेट को जो कम करने के लिए और मोर्टिलिटी को जो जनरल पॉपुलेशन में एट लार्ज नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज जो है इनेबल्ड की गई। इंसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो है रिज्यूम की गई इन मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्शन फॉर रूटीन सर्जरीज नॉन कोविड फैसिलिटीज जो है की गई इन मंथ ऑफ अगस्त। डेडिकेटेड फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई फॉर मैनेजमेंट कोविड पेशेंट्स। तो इस तरह देखिए गवर्नमेंट द्वारा जो वर्क किया गया सारा हमें पता ही है। पंचायत लेवल के ऊपर भी जो है टेस्टिंग चली। असिम्प्टोमेटिक जो मिल्ड केसेस थे उनको मैनेज किया गया डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स थ्रू 104 कॉम्प्रेहेंसिव कॉल सेंटर एंड ईओपीडी की व्यवस्था जो चलाई गई। काउंसलिंग सर्विस मेंटल हेल्थ इशूज सच एज डिप्रेशन एंग्जाइटी डिस्ट्रेस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल द पेशेंट्स। फिर अगर बात करें फॉर बेटर क्लिनिकल मेजरमेंट COVID-19 पेशेंट्स स्टेट कोविड क्लिनिकल टीम एंड कोविड क्लिनिकल कमेटी जो है एंड मेडिकल कॉलेज लेवल के ऊपर जो फॉर्म की गई कमेटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इशूड क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 पेशेंट्स। इंसेंटिव अगर वर्कर की बात करें तो टू मोटिवेट हेल्थ वर्कर्स स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अनाउंस इंसेंटिव फॉर द सैनिटेशन वर्कर एंड वार्ड वाइज एट द रेट 200 पर शिफ्ट। फिर आशा वर्कर्स एट द रेट 2,000 पर मंथ फ्रॉम सेप्टेंबर टू दिसंबर 2020 फॉर द कोविड रिलेटेड वर्क। फिर स्ट्रेंथिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द COVID-19 पेशेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर प्रोक्योर्ड एंड ऑक्सीजन मेनफोल्ड्स वर इंस्टॉल्ड इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। वेंटिलेटर्स जो है प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंस्टॉल्ड इन द फैसिलिटी इन ऑर्डर टू मैनेज द क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स आर रेडी इन DDU शिमला श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल नेरचौक। तो इस तरह से देखिए टू हैंडल एनी अनएंटीसिपेटेड इंक्रीज इन COVID-19 केसेस जो है फ्यूचर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है बीइंग डेवलप्ड हुए एट द नालागढ़ सोलन आईजीएमसी शिमला। अब देखिए इसके बाद जो रहता है नेक्स्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रहता है। तो देखिए सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है स्टेट का इंगेज रहने सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। और ये देखिए आपके मेंस के सिलेबस में भी है स्पेशली एबल्ड और फैंस चिल्ड्रन विडोज डेस्टिट्यूट पुअर चिल्ड्रन वुमन एसेट्रा द फॉलोइंग पेंशन स्कीम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर सोशल वेलफेयर स्कीम। सबसे पहले देखिए पेंशन स्कीम की जो है इसमें बात की गई है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम फॉर द स्टेट। तो देखिए स्कीम की बात करें तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम तो एलिजिबिलिटी और बजट प्रोविजन इसमें बात की जाती है। तो देखिए ऐसे 60 to 69 ईयर्स के पर्सन जिनकी एनुअल इनकम जो है बिलो 35,000 है उनको जो है 850 पर मंथ जो है पेंशन प्रोवाइड की गई। तो ऐसे ओल्ड एज पर्सन जिनकी एज जो है 60 to 69 है उनको जो है
₹850 जो पर मंथ प्रोवाइड किए गए, लेकिन इसमें इनकम क्राइटेरिया भी है। 60 to 69 एज के जो पर्सन है उनकी इनकम जो है सालाना जो है 35,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उनको जो ₹850 पर मंथ जो इसमें प्रोवाइड किए गए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। और 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग जो हमारे लोग हैं उनको जो है ₹1,500 पर मंथ जो है विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया, इसमें किसी प्रकार का इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा। ₹1,500 जो बुढ़ापा पेंशन जो इसमें जो सरकार के द्वारा जो दी गई, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक चीज रहती है कि वो जो पर्सन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर नहीं होना चाहिए, उसको कोई और पेंशन नहीं मिल रही होनी चाहिए, तभी उनको जो ये पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस। तो देखिए ऐसे पर्सन जिनकी जो है 40% और ज्यादा जो है स्पेशल एबिलिटी है डिसेबिलिटी है और जो लेस देन 35,000 पर एनम जो अर्न करते हैं उनको जो है ₹1,000 पर मंथ जो है इसमें जो है पेंशन प्रोवाइड की गई। और ऐसे पर्सन जिनकी डिसेबिलिटी जो है 70% और अबव है उनको जो है ₹1,500 जो है इसके तहत जो है पेंशन जो प्रोवाइड करवाई गई। अब विडो डिसेबल्ड और एकल नारी पेंशन की अगर बात करें तो फीमेल्स अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, तो देखिए विडो डिसेबल्ड एकल नारी पेंशन में एलिजिबिलिटी है कि फीमेल जो है 45 साल से जो है ज्यादा जो है उनकी जो है एज होनी चाहिए और 35,000 से कम जो इनकी इनकम होनी चाहिए, तो इनको पर मंथ जो है ₹1,000 जो है पेंशन प्रोवाइड की गई। रिहेबिलेशन अलाउंस टू लिपर्स की बात करें जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट्स ऑफ लेप्रोसी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देखिए तो जो रिहेबिलेशन अलाउंस है लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए तो इनमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है और इनको 850 पर मंथ जो है पेंशन प्रोवाइड की गई स्कीम के तहत। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बीपीएल, तो देखिए इसमें सिंपली लिखा हुआ बीपीएल, तो पर्सन जिनकी एज 60 to 69 ईयर्स और बिलोंग करते हैं बीपीएल तो पेंशन जो गिवन हुई विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया। तो देखिए ऐसे पर्सन जो 60 से 69 साल किए हैं और वो बीपीएल में अगर बिलोंग करते हैं तो कोई भी इनकम क्राइटेरिया जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में नहीं रखा गया और ₹850 पर मंथ प्रोवाइड किए गए, और जो 70 साल से ऊपर हैं जो कि बीपीएल हैं तो पेंशन जो है गिवन हुई है विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया ₹1,500 पर मंथ। फिर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन की अगर हम बात करें तो विडो इन दी एज ग्रुप ऑफ 40 to 79, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं एचपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार एज एलिजिबिलिटी पूछती है, तो आप ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन जो रहती है इसमें जो एज लिमिट है ये 40 to 75 ईयर्स है और वो बिलोंग करनी चाहिए बीपीएल को, तो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन उन्हीं को मिलेगी ऐसी विडो जो बीपीएल में है और उनकी एज जो है 40 to 79 है, उनको पर मंथ जो ₹1,200 जो इसका जो पेंशन दी गई। अब इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन की अगर बात करें तो ऐसे पर्सन जिनकी एज जो है 18 से 79 है और हैविंग 80% ऑफ स्पेशल एबिलिटी है डिसेबिलिटी है उनको ₹1,500 पर मंथ जो दिए गए, तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, थोड़ी सी एज का आपको पता होना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन स्कीम में वही है ये तो हम सुनते रहते हैं, ये जो रिहेबिलेशन लोन स्कीम है लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। और इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन में आप ध्यान रखना 40 से 79 जो है एज है और इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशल एबिलिटी पेंशन में 18 से 79 जो है एज रखी गई है और 80% जो स्पेशल डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो उनको ₹1,500 पर मंथ इसमें जो है पेंशन का प्रोविजन रखा गया। आगे देखिए इसमें बात कीजिए जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो रहता है हिमाचल प्रदेश का, ये जो है फंड्स प्रोवाइड करता है 3 कॉरपोरेशन को, हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडर द हेड इन्वेस्टमेंट फॉर रनिंग ऑफ द वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अब देखिए वेलफेयर ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट स्कीम जो इनसे रिलेटेड आती है, तो वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी एंड माइनॉरिटीज, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन रहता है एचपीएस के मेंस में भी है ये। तो स्कीम अगर बात करें तो अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अगर कोई पर्सन जो है शेड्यूल कास्ट के साथ जो है मैरिज करते हैं जनरल कैटेगरी के, तो 50,000 जो है गिवन होता है फॉर द इंटरकास्ट मैरिज, तो इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए जो है 50,000 जो इसमें जो है दिया जाता है अगर एससी एसटी के साथ, एससी एसटी या इसमें जो है रिलीजियस मैरिज भी कवर की जाती है, अगर मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम की शादी होती है इसमें यानी कि मुस्लिम गर्ल होनी चाहिए स्पेशली, अगर हिंदू लड़का है मुस्लिम गर्ल है तो इनको इसमें कवर किया जाता है। 50,000 की जो ग्रांट जो इंटरकास्ट मैरिज के लिए जो प्रोवाइड की जा रही है। हाउसिंग सब्सिडी की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी और जो माइनॉरिटीज जो रहती है, देखिए माइनॉरिटीज जो है हमारी कंट्री में जो है सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज हो गए और मुस्लिम्स हो गए और क्रिश्चियंस हो गए, दीज आर दी 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, तो ये ध्यान रखना आपने। तो एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज सिंगल वुमेन है कोई वीडियो है तो गिवन सब्सिडी 1,50,000 की सब्सिडी जो पर फैमिली दी जाती है, हाउस कंस्ट्रक्शन जिनकी इनकम जो है 35,000 से एंड 35 फॉर हाउस रिपेयर्स जिनकी इनकम जो है 35,000 से जो है पर मंथ जो है आपकी जो है पर एनम जिनकी इनकम जो कम है सालाना आए जिनकी जो 35,000 से कम है, एससी एसटी ओबीसी सिंगल वुमेन विडो
इनको जो 1,50,000 की जो है सब्सिडी दी जाती है हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज स्पेशल लेबर पर्सन सिंगल वुमेन एंड विडो जिनके एनुअल इनकम जो लेस देन 2 लाख है, तो 1,350 रुपए पर मंथ और 1,500 रुपए स्पेशल लेबर पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC ST, तो SC ST के ऊपर कोई भी अगर उत्पीड़न होता है इनका तो इनको अगर किस तरह प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, एट्रोसिटीज इनके ऊपर की जाती है, तो लीफ अमाउंट 85,000 टू 8.25 लाख तक जो है वेरी करता है फॉर द विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी। स्पेशल लेबर स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो टू ऑल कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग टू स्पेशल एबिलिटी जिनकी जो डिसेबिलिटी है 40% और मोर है, उनको स्कॉलरशिप 625 से 3,750 पर मंथ जो इसमें प्रोवाइड की जाती है। मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल्स मैरिंग विद स्पेशल लेबर पर्सन, तो जो ऐसे जनरल पर्सन जो स्पेशल लेबर पर्सन के साथ जो है मैरिज करते हैं, यानी कि फिजिकली फिट पर्सन जो आपके स्पेशल लेबर पर्सन के साथ जो मैरिज करते हैं, तो इसमें देखिए आप देखते हैं टू इनकरेज एबल बॉडीड यंग मैन और गर्ल्स टू मैरी स्पेशल लेबर पर्सन, तो ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स मतलब स्पाउस में से एक जो है खुद फिट होना चाहिए, दूसरा अगर फिजिकली हैंडीकैप है, हैविंग 40 to 69% स्पेशल डिसेबिलिटी, तो 25,000 जो है इनको जो है ग्रांट जो है वन टाइम ग्रांट जो है मैरिज ग्रांट दी जाती है, और अब 70% डिसेबिलिटी है तो 50,000 की इसमें जो ग्रांट है दी जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्पेशली एबल्ड पर्सन जिनकी स्पेशल एबिलिटी 40% और अबव है, तो उनको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं बाई दी हंटर दिस माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर सेटिंग अप स्मॉल वेंचर्स। इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो टू इंस्टीट्यूशन जो एट ढली वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंस्टीट्यूशन आपके ढली में और एक सुंदरनगर में है, तो ऐसे चिल्ड्रन जिनकी स्पेशल नीड्स है जैसे कि देखिए कुछ अंधे होते हैं, कुछ बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, तो ऐसे पर्सन जिनकी स्पेशल नीड्स होती है उनके लिए देखिए इंस्टीट्यूट जो है ओपन किए गए हैं ढली एंड सुंदरनगर में, जिनको सेटअप किया गया इन द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सर्विस टू द विजुअली एंड हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन। स्पेशल एबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर DRC की अगर बात करें तो टू स्पेशल एबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है सेटअप किए गए हैं थ्रू DRDA एट हमीरपुर एंड इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी एट धर्मशाला रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट डिस्कस किया गया इसमें वुमेन स्टेट होम मसोबरा, तो आपको बताना चाहिए वुमेन स्टेट होम आपको मिलेगा मसोबरा शिमला में, तो मेन पर्पज जो रहता है वुमेन स्टेट होम मसोबरा का, ये स्कीम रहती है टू प्रोवाइड फ्री शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि छत प्रोवाइड करना, फूड खाना क्लॉथिंग एजुकेशन हेल्थ एंड मेडिसिन काउंसलिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू दी यंग गर्ल्स। देखिए कौन कौन सी इसमें कवर होती है, यंग गर्ल्स कवर होंगी, विडोज कवर होंगी, डिसेबल्ड वुमेन जिनको घर से जो है निकाल दिया गया, डेस्टिट्यूट एंड वुमेन हु आर फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज, जो ऐसी वुमेन जो कि फिजिकल सेक्सुअली अब्यूज है, तो उनको यहाँ पर जो है शेल्टर प्रोवाइड की जाती है, फ्री शेल्टर, फूड क्लॉथिंग एजुकेशन हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग। और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 21 इनमेट्स एंड 2 चिल्ड्रन जो है इनमेट्स लिविंग इन स्टेट होम सोबरा, तो ध्यान रखना वुमेन स्टेट होम सोबरा शिमला में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया गया वन स्टॉप सेंटर, तो देखिए वन स्टॉप सेंटर जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है स्कीम का इसमें रहता है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू दी वुमेन अफेक्टेड बाय दी वायलेंस, तो जो भी हिंसा की द्वारा जो पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको जो है इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना, सहायता प्रोवाइड करना बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस अंडर वन रूफ एंड टू फैसिलिटेट इमीडिएट इमरजेंसी एंड नॉर्मल इमरजेंसी एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल लीगल साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट। और प्रेजेंटली वन स्टॉप सेंटर जो है आपके ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो सेटअप है। महिला शक्ति केंद्र की बात करें तो स्कीम जो प्रोवाइड करती है इंटरफेस फॉर रूरल वुमेन टू अप्रोच दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और वुमेन के बीच में एक इंटरफेस ये प्रोवाइड करती है दोनों के इंटरेक्शन के लिए, फॉर अवेलिंग देयर एंटाइटलमेंट्स एंड फॉर एम्पावरिंग देम थ्रू वेरियस अवेयरनेस जनरेशन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स वॉलंटियर एंगेज्ड अंडर दिस स्कीम इनकरेज द स्पिरिट ऑफ वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विस एंड जेंडर इक्वालिटी, दीज स्टूडेंट वॉलंटियर्स सर्व एज एजेंट फॉर चेंज एंड हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटीज एंड नेशन। सक्षम गुड़िया बोर्ड की बात करें तो देखिए गुड़िया कांड के बारे में सबको पता है, थियोग में ये कांड हुआ था शिमला में, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है स्कीम्स का टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द पॉलिसीज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, तो इनका मेन काम रहता है कि रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गर्ल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड और एडोलेसेंट जो गर्ल्स रहती है उनके सशक्तिकरण के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, टू मेक रिकमेंडेशन ऑन एक्ट्स रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड, टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर अपलिफ्टिंग एंपावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द स्टेट, तो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड ये सक्षम गुड़िया बोर्ड रहता है, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट देखिए इसमें डिस्कस किया गया वेरियस स्कीम्स ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ अ वुमेन चाइल्ड एंड गर्ल, तो देखिए चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की अगर बात करें तो स्टेट में जो है 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है कंप्राइजिंग ऑफ 37 चाइल्ड होम्स है, 2 ऑब्जर्वेशन होम्स है, स्पेशल होम कम प्लेस फॉर सेफ्टी है, 3 ओपन शेल्टर्स एंड 1 शिशु गृह है, मुख्यमंत्री बाल उधार योजना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन आफ्टर लीविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर प्रोफेशनल एजुकेशन, बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम, तो एन अमाउंट ऑफ 2,000 पर चाइल्ड जो पर मंथ जो सेक्शन 9 फेवर ऑफ फॉस्टर पेरेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड 500 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर सेक्शन अमाउंट ऑफ एडिशनल चिल्ड्रन फॉर द स्टेट,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात करें आईसीडीएस की, तो डिपार्टमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस एंड नॉन प्री स्कूल एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 90:10 फंडिंग बाय बिटवीन सेंटर स्टेट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड की जा रही है आंगनबाड़ी सेंटर को चिल्ड्रन, प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड बीपीएल एडोलेसेंट गर्ल्स 90:10 में बाय सेंटर स्टेट। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, तो अंदर इस प्रोग्राम जो है मैरिज ग्रांट जो 51,000 बीइंग प्रोवाइड होती है टू द गार्डियंस ऑफ द डेस्टिट्यूट गर्ल्स फॉर देयर मैरिज प्रोवाइड देयर एनुअल इनकम 35,000। तो ऐसे गार्डियंस डेस्टिट्यूट गर्ल्स के जिनकी एनुअल इनकम को जो है 35,000 से जो है कम है उनको जो है मैरिज ग्रांट जो है 51,000 की जो इसमें जो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन। इस स्कीम के तहत जो है 5,000 प्रोवाइड होता है टू द वुमेन हैविंग एनुअल इनकम लेस देन 35,000 फॉर कैरिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। ऑफ विडो रीमैरिज स्कीम की अगर बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम का रहता है टू हेल्प इन रिवैल्यूएशन ऑफ विडो आफ्टर रीमैरिज, ऑफ 50,000 जो गिवन किया जाता है। तो कपल इन दिस स्कीम मदर टेरेसा आश्रय मैत्री संभाल योजना, तो मेन एम जो रहता है स्कीम का टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू 6,000 पर चाइल्ड पर एनुअल टू द डेस्टिट्यूट वुमेन बिलोंगिंग टू द बीपीएल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन अंटिल देयर एज ऑफ 18 इयर्स एंड हुज फैमिली इनकम डज नॉट एक्सीड 35,000। और विशेष महिला उत्थान योजना की बात करें तो स्कीम जो फॉर्मेटेड हुई है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअली एब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट हुई है कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिंग जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्टिव इम्यूनेशन, बेटी है अनमोल योजना। तो अंडर दिस स्कीम पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है 12,000 जो प्रोवाइड की जाती है, तो ध्यान रखना हमने बेटी है अनमोल योजना में पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है 12,000 की प्रोवाइड की जाती है अप टू टू गर्ल्स। ऐसे फैक्ट्स जो है एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो आपको बताऊँ कि बेटी है अनमोल योजना में 12,000 की जो है पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है प्रोवाइड की जाती है अप टू टू गर्ल चाइल्ड ओनली बिलोंगिंग टू दी बीपीएल फैमिली। तो कवर होंगी इसमें बीपीएल फैमिली और उनकी फर्स्ट टू जो गर्ल चाइल्ड जो होंगी उनको 12,000 तक की जो है पोस्ट बर्थ ग्रांट जो प्रोवाइड कराई जाती है अंडर दी बेटी है अनमोल योजना में। और स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू ग्रेजुएशन लेवल रेंजिंग फ्रॉम 450 to 5,000 फॉर देयर एजुकेशन। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, तो एम जो रहता है इसका टू सपोर्ट स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स 11 से 14 साल की जो एडोलेसेंट गर्ल्स रहती है ईयर इज बैक टू फॉर्मल स्कूलिंग ऑफ ब्रिज लर्निंग इंप्रूविंग द नेशनल हेल्थ स्टेटस। और इसमें फंडिंग पैटर्न की 90:10 रहता है सेंट्रल स्टेट की। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, तो स्कीम जो प्रोवाइड करती है 5,000 इंसेंटिव टू प्रेग्नेंट वुमेन इलेक्टेड मदर्स इन थ्री इंस्टॉलमेंट्स। सशक्त महिला योजना, तो सशक्त महिला योजना जो 11 से 45 ईयर की महिलाओं को कवर करती है, तो सशक्त महिला योजना ध्यान रखना 11 से 45 साल की महिलाओं को ये कवर करेगी एंड फोकस ऑन प्रमोशन सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इनेबलिंग देम टू रियलाइज देयर राइट्स एंड डेवलप यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल। वन टाइम सीड मनी जो है 35,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पर डेवलपमेंट ब्लॉक जो ग्रांटेड की जाती है फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज टू मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड अवार्ड मनी ऑफ 5,000 पर गर्ल चाइल्ड इज ग्रांटेड टू द 5 टॉपर गर्ल्स ईच फ्रॉम 10th टू 12th बोर्ड एग्जामिनेशन बेसिस फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। रिहैबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स और रेप एंड चाइल्ड अब्यूज ऑब्जेक्शन बैकग्राउंड्स, तो देखिए ऑब्जेक्टिव रहता है स्कीम का ये रहता है टू रिस्टोर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी ऑफ माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज थ्रू इंटेंसिव काउंसलिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्किल अपग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन एलिवेट सपोर्ट ऑन कंफर्मेशन ऑफ द क्राइम। फाइनेंशियल जो है 7,500 पर मंथ प्रोवाइड टू विक्टिम टिल द एज ऑफ 21 इयर्स। नेक्स्ट देखिए आगे डिस्कस किया गया ट्रेंड इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इन हिमाचल प्रदेश, तो देखिए जो खर्चा जो रहता है सोशल सर्विस सेक्टर में ये अफॉर्म्स करता है, ये बताता है जो कमिटमेंट रहती है गवर्नमेंट की टू पार्टी सोशल वेलफेयर। तो एक्सपेंडिचर अगर हम सोशल सर्विस की बात करें जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और अदर जो कवर है स्टेट के द्वारा एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, ये जो है 7.68% था 14-15 में, ये बढ़ के जो है 10.89% हो चुका है 2020-21 एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से, और इंक्रीज जो है बिटनेस करता है अक्रॉस ऑल सोशल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड। और एजुकेशन की बात करें तो 14-15 में जो प्रोपोर्शन जीडीपी का 4.12% जो है स्टेट गवर्नमेंट भारी खर्च करती थी, 2020-21 में जो है एजुकेशन को जो 5.3% ऑफ द टोटल जीडीपी जो खर्च किया जा रहा है, और हेल्थ में जो है 14-15 में 1.25% ऑफ टोटल जीडीपी सरकार खर्चा करती थी, अब जो 1.93% ऑफ 2020-21 में जो है सरकार ने हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया। और शेयर जो रहता है एक्सपेंडिचर के ऊपर सोशल सर्विस में अगर पूरा मिलाएं तो ये पहले था 25.73% इन 14-15, ये बढ़कर जो 34.68% हो चुका है 2020-21 में। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे रूरल डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज। सो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।